मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोग यहीं पर थे। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दिखाता है, क्या होता है, सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, आप एक आयरन नेल थोड़ा सा दूर में यहाँ पे रख दो, ठीक है, ये आयरन नेल आप इसमें थोड़ा सा दूर पे रख दो, आप क्या देखेंगे, आप एकदम से देखेंगे कि आयरन नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। क्या देखा आपने कि आयरन नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो ना तो मैंने इसको इधर फेंका ना इसने इसको इधर बुलाया, तो ये इसके पास गया कैसे, चलो समझते हैं। ये जो हमारा मैग्नेट है ना बच्चों, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड होती है। सपोज ये फील्ड है, ये हमारा क्रिकेट का पिच है और ये मैदान है, ठीक है, अगर इस मैदान के अंदर कोई भी खिलाड़ी होगा तो ये मैग्नेट उसे अपनी तरफ बुला लेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये क्या है, ये जो पूरा रीजन जो मैंने सर्कल किया है ब्लू से, ये पूरा रीजन, ये पूरा, अगर इस रीजन में कहीं पर भी कोई ऐसा मटेरियल होगा जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसको कर लेगा। सपोज एक मैग्नेट यहाँ पर है, मैग्नेट के आयरन है यहाँ पर या कॉपर है, तो क्या करेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो फील्ड, ये जो एरिया है ना, जिसके अंदर अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है वो उसकी तरफ आ जाएगा। सपोज करो ये मैग्नेट फील्ड है और एक आयरन का पीस यहाँ पे पड़ा है, अब बताओ क्या ये इसके पास आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, स्टेडियम के बाहर है। सपोज करो यहाँ पर एक आयरन का सामान है, ठीक है, मैं उसको हल्का सा धक्का मार के यहाँ फेंक दिया, ठीक है, धक्का मार के मैंने यहाँ फेंक दिया, क्या देखोगे आप, एकदम से ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो लिखो डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड का, there is a region around a magnet and any magnetic substance and any magnetic substance that lie within this region experiences a force, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रीजन, ठीक है। अच्छा क्या बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो लिख दो मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट बी सीन, आप मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करने का हमारे पास क्या है, बहुत सारा मेथड्स है। अच्छा मैंने क्या आपको ये बताया है कि मैग्नेट का जो पोल्स होते हैं वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होता है, हाँ देखो क्या होता है, सपोज ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट के इधर और इधर सबसे ज़्यादा फोर्स होगा, क्यों, क्योंकि बाबू क्रिकेट की पिच है ये, पिच में विकेट किधर होती है, सिर्फ इधर ही होती है और इधर एक लाइन बनी रहती है, बीच का हिस्सा नॉर्मल विकेट रहती है, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होती है, इन दोनों
एरिया में ही होती है, ठीक है। चलो अभी हम लोग समझते हैं डायरेक्शन, लिखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो डायरेक्शन जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डायरेक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, एक होता है आउटसाइड, एक होता है आउटसाइड मैग्नेट, एक होता है इनसाइड मैग्नेट, ठीक है। एक होता है आउटसाइड और एक होता है इनसाइड मैग्नेट, ठीक है। आउटसाइड में जो फोर्स है वो मूव करता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड अपोजिट होता है साउथ टू नॉर्थ। लो देखो अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ये हमारा मैग्नेट है, मैंने क्या बोला आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ, ये बना दो नॉर्थ और ये बना दो साउथ। तो देखो ऐसे बना दो, एरो ऐसे दे दो, ये देखो एरो ऐसे दे दो, ठीक है। ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, क्लियर हो गया। कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, तो नॉर्थ का भी एरो दो कि नॉर्थ पे से निकल रही है और साउथ में जा रही है, ठीक है। अच्छा इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, अच्छा जब इधर से निकल रही है तो ऑब्वियसली घूम के इधर ही आ रही होगी, तो ऐसे बना दो इसके अंदर आ रही है, क्लियर। तो सर ये तो आपने आउटसाइड का तो बता दिया, अब इनसाइड का देखो, इनसाइड का मैंने क्या बताया था, इनसाइड होता है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो देखो ये वाला हिस्सा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इनसाइड कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ, क्लियर हो गया। देखो अब इसको याद करने का तरीका, बच्चे बोलते हैं सर याद ही नहीं रहता कब नॉर्थ और कब साउथ, ठीक है। तो देखो बाहर जाने के लिए अगर आप कभी भी बाहर जाओगे तो क्या करोगे, पहले नहाओगे तभी तो बाहर जाओगे, और फिर बाहर जाके थक के घर में आके सो जाओगे। तो N फॉर नहाना, S फॉर सोना, बाहर जाने के लिए पहले नहाओगे और फिर घर में आके सो जाओगे। अब देखो इनसाइड, आप घर में आ गए, घर में आने के बाद सो जाना और फिर सुबह उठ के नहा लेना। अब याद रहेगा घर से बाहर जाने के लिए पहले नहाओगे फिर बाहर जाओगे आउटसाइड, और फिर घर में आके सो जाओगे। इनसाइड के लिए इनसाइड आए, घर के अंदर आए, ठीक है, इनसाइड आने के बाद आप सो गए और सुबह उठ के आपने नहा लिया, तो क्या याद रहेगा, अंदर में साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज मैग्नेटिक कॉम्पास, लिखो MAGNETIC मैग्नेटिक कॉम्पास, COMPASS मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैग्नेटिक कॉम्पास के लिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आपकी जो कमर होगी बच्चों वो होगी साउथ की तरफ, और आपका जो राइट हैंड होगा वो आपको दिखाएगा ईस्ट, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपको दिखाएगा वेस्ट। फिर से, आपके फेस के सामने अगर नॉर्थ है तो आपके कमर में क्या होगा साउथ, राइट हैंड में क्या होगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड में क्या होगा वेस्ट, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक कंपास की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक कंपास हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हमें डायरेक्शन दिखा सके, क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हमें डायरेक्शन दिखा सके, ठीक है। डायरेक्शन DIRECTION, ताकि वो हमें डायरेक्शन दिखा सके, ठीक है। अच्छा
ये बेसिकली जो लोग घूमने फिरने निकलते हैं जंगलों में या फिर समुद्रों में, उनको डायरेक्शन पता कैसे चलेगा? वो इस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा क्या होता है मैग्नेटिक कंपास में? बच्चों बीच में एक निडल होती है, बीच में एक निडल होती है, ठीक है, सुई होती है, जो हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी। चाहे आप कहीं भी करो, वो आपको ये बता देगी कि आ नॉर्थ किधर है। समझ में आया? सपोज करो कि आप इधर देख रहे हो, आपका फेस जो है वो इधर है, आपकी जो कमर है वो वेस्ट की तरफ है, इधर आपके नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है। और आप हाथ में कॉम्पास पकड़ो, सपोज़ ये हाथ में आपके कॉम्पास है, तो कॉम्पास आपको क्या दिखाएगा कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पर है, सपोज़ ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, इसमें बच्चों नीडल जो है ना वो रोटेट करती रहेगी, आपको तो पता है। अच्छा, रोटेट कहाँ करेगी? इट विल ऑलवेज रोटेट, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है ना वो हमेशा नॉर्थ को देखेगा, क्लियर हो गया? क्यों उसका नीडल हमेशा नॉर्थ की क्यों देखेगा? क्योंकि जो ज्योग्राफिकल अर्थ है, ये देखो अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, ये हमारा अर्थ है। मानते हैं कि अर्थ में भी बच्चों एक मैग्नेट छुपा हुआ है, रियल में नहीं छुपा हुआ, बट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ मतलब जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेट में इसका बिल्कुल अपोजिट है। मैग्नेट बोलता है कि ये मेरा साउथ है और ये मेरा नॉर्थ है, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक नीडल रख देंगे ना, तो वो हमें हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास का बच्चों आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से उसको पूरा रीड कर लीजिएगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। चलो बच्चों नया हेडिंग डाल दो, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कि भैया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब ये वाला नॉर्थ साउथ, अंदर इनसाइड, सोएंगे फिर नहाएंगे आउटसाइड, नहा के फिर घर आके सोएंगे। ये देखो क्या है, क्लोज्ड है, तो लाइन कहीं पर भी खुल रही है क्या? लाइन इज अ क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गई? पहला प्रॉपर्टी क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज क्यों? क्योंकि देखो पूरी बंद हुई है, कहीं से भी बाहर निकलने की जगह नहीं है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आउटसाइड नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ये भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो दोनों लाइन है ना बच्चों, देखो सपोज दो लाइन है मैग्नेटिक फोर्स का, एक ये और एक ये, बोलता है कि ये दोनों आपस में ना कभी नहीं टच करेगा, दे नेवर इंटरसेक्ट, वो हमेशा एक दूसरे से दूर दूर ही रहेगा, ठीक है। क्लियर? ये दोनों लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बोला है कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पे
डायरेक्शन जाननी है, ये देखो मैग्नेटिक लाइन से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो बोला कि अगर मैं हर एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना दूँ, सपोज ये मेरा पॉइंट है तो इस पर एक टेंजेंट, टेंजेंट बनाना मतलब कोई भी एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को छूते हुए निकल जाए, तो उसकी डायरेक्शन देखो क्या हो गई, ये हो गई। सपोज मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसी होगी, ऐसी, ठीक है, क्लियर। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी जो है कहाँ पे मिल जाएगी, आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम जान चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था, ये वाला हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट देखते हैं मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स एक्चुअली बनता कैसे। तो यहां पर हेडिंग डाल दो, मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, मेकिंग ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो किसी भी आयरन को या स्टील को अगर हम लोग मैग्नेट बनाते हैं तो पक्का उसमें कोई ना कोई तो प्रोसेस लगता होगा, तभी तो कोई आयरन और स्टील मैग्नेट बनेगा, ठीक है। चलो तो लिखो सर, क्या लिखाएंगे, लिखो the conversion of an ordinary piece of magnetic material like iron steel etc. into a magnet is called magnetization, clear, magnetization, ठीक है। अच्छा, इसके चार मेथड्स है, क्या है, चार डिफरेंट मेथड्स है। पहला मेथड सिंगल टच मेथड। सेकंड डबल टच मेथड। नंबर तीन मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है। ये चार अलग अलग हमारे पास मेथड्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, एक टेबल लो, ठीक है, टेबल पे एक आयरन का पीस रख दो, ठीक है, और यहाँ पर मार्क कर दो ए और यहाँ पर मार्क कर दो बी, ठीक है। अब क्या करो, अब एक मैग्नेट का पीस लो, ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे घिसो और फिर उठा के इधर ले आओ और फिर घिसो, फिर उठाओ इधर ले आओ, ये प्रोसेस चलाते रहो। नॉर्थ को यहीं पे घिसो, ऊपर उठाओ और फिर इधर ले आओ और फिर नॉर्थ को घिसो, फिर ऊपर ले आओ, फिर ऐसे घिसो। थोड़े देर बाद आप देखोगे ये जो पीस ऑफ आयरन आपने लिया था, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और इसमें कोई एक साइड आपको नॉर्थ पोल और कोई एक साइड आपको साउथ पोल दिखेगा, और वो आप टेस्ट कर सकते हैं जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आएंगे। अगर इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ है तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और अगर ये साउथ बनेगा तो ये इसके तरफ चिपक जाएगा। ये था सिंगल टच मेथड, ठीक है। डबल टच मेथड में क्या होगा, देखो टेबल लो, टेबल पर एक तो आयरन का प्लेट लो जिसको आपको मैग्नेट बनाना है। अब यहाँ पर मार्क कर दो ए, यहाँ पर मार्क कर दो बी।
अब यहाँ पर बच्चों आपको दो अलग अलग मैग्नेट लेने पड़ेंगे, एक मैग्नेट, दो मैग्नेट। एक मैग्नेट का साउथ ले लो, एक मैग्नेट का नॉर्थ ले लो, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे ही घुसाओ, यहाँ पर घिसो इस तरफ, घिस के उठा के और फिर इधर से घिसना चालू करो, इसको इधर की तरफ घिसकाओ और फिर उठाकर फिर साउथ को, मतलब ये घुमाने वाला प्रोसेस इसको कंटिन्यू करो, इसको घुमाने वाला इसको कंटिन्यू करो, ठीक है, क्लियर। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो ए वाला साइड है जहाँ पर आप साउथ पोल को रगड़ रहे थे, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, और जहाँ पर नॉर्थ पोल को रगड़ रहे थे ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। बात समझ में आई। ये हमने दो मेथड इसके करे, सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड। सिंगल टच में सिंगल मेथड, सिंगल मैग्नेट, और डबल टच में डबल मैग्नेट, ठीक है। देखो बच्चों, थर्ड नंबर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो ये एक आपका आयरन नेल है, ठीक है, ये आपका आयरन नेल है, ऐसा कुछ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोहे का चूरा आप जमीन पर पूरा ऐसे गिरा दो इसके चारों तरफ, ठीक है, तो बताओ क्या ये इसके चिपक जाएगा, जो नीचे में लोहे का चूरा पड़ा हुआ है, क्या ये इसके चिपक जाएगा, नहीं चिपकेगा, क्योंकि मैग्नेट थोड़ी ना है सर। अच्छा, अब एक काम करो, मैग्नेट को ना इसके पास लेकर आओ, मैग्नेट को आयरन नेल के पास पास में लेकर आओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन टच मत करना, पता है आप क्या देखोगे, आप देखोगे जितना भी आयरन नेल नीचे पड़ा था ना, सारा का सारा इसके चिपक जाएगा। तो ये जो आपकी आयरन नेल है, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है, कि जब तक ये मैग्नेट इसके पास है तब तक आयरन नेल भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, जैसे ही ये दूर चला जाएगा वैसे ही वापस ये लोहे के टुकड़े गिर के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट वाला देखो क्या था, दैट इज इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड मतलब बिजली। एक लोहे का रोड लो, एक लोहे का रोड लो और उसके चारों तरफ लोहे की वायर बांध दो ऐसे चारों तरफ, ठीक है, और वायर को बिजली से कनेक्ट कर दो और स्विच चालू कर दो। आप क्या देखोगे, जो ये लोहे का रोड है ना, अब ये एक मैग्नेट बन गया, और इसके आसपास जितना भी लोहा का सामान था, जो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता था, उसको इसने क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, वो सारा मैग्नेट वापस वहीं की वहीं गिर गया। चलो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो, द सॉफ्ट आयरन, द सॉफ्ट आयरन, द सॉफ्ट आयरन इज बींग मैग्नेटाइज्ड, इज बींग, द सॉफ्ट आयरन इज बींग मैग्नेटाइज्ड, द सॉफ्ट आयरन इज बींग मैग्नेटाइज्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सॉफ्ट आयरन मतलब ये जो हमारा लोहे का रोड था, ये क्या था, एक सॉफ्ट आयरन था, उसको हमने मैग्नेटाइज किया, कैसे मैग्नेटाइज किया, इलेक्ट्रिक करंट से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों ये भी क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट मतलब थोड़े समय के लिए, जब तक आप उसको करंट दोगे तब तक ही वो मैग्नेट है, वरना वो मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परमानेंट मैग्नेट, जो हमेशा के लिए मैग्नेट है, ठीक है,
क्लियर हो गया। और टेम्पररी मैग्नेट जो एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मैग्नेट है। तो देखो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट जो हमारे होते हैं उसका एक स्पेशल खासियत है कि अगर हम उसमें से मैग्नेटिक फोर्स को हटा दें, किसको, मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम लोग हटा भी देना तो भी बच्चों वो क्या रहेगा, मैग्नेट ही रहता है। तो ये मैग्नेट कहाँ पर यूज़ होते हैं, रेडियो स्पीकर्स में होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, रेडियो स्पीकर्स, ये हमारे ईयरफोन्स में, टेलीफोन, टेलीफोन के ईयरफोन में जो जिससे हम उठा के बात करते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर के गेट में। कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर के गेट पे। कौन से मैग्नेट पाए जाते हैं, परमानेंट। टेम्पररी, टेम्पररी आप कहाँ देखोगे, टेम्पररी होते हैं इलेक्ट्रिक डोरबेल में, इलेक्ट्रिक डोरबेल, उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स में पाए जाते हैं, उसके बाद जनरेटर में पाए जाते हैं। क्लियर, ये सब हमारे टेम्पररी और परमानेंट है, ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड और उसको डी मैग्नेट मतलब उसके मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हटाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन वही टेम्पररी मैग्नेट में क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें से मैग्नेटिक फोर्स हटा देंगे उसका स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट का जो पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोलर, पोल्स क्या होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। परमानेंट मैग्नेट का आप नॉर्थ साउथ नहीं बदल सकते, परमानेंट मैग्नेट का आप नॉर्थ साउथ नहीं बदल सकते, लेकिन टेम्पररी में आप नॉर्थ साउथ बदल सकते हो। जैसे जिस तरफ से आपका मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे उधर ही आपका मैग्नेट के पोल्स आ जाएंगे। और इसको डीमैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज मतलब उसको मैग्नेट की उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देना, इसमें आसान होता है और इसमें मुश्किल होता है। क्लियर। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट में मैंने आपको क्या बताया था कि चारों तरफ तार बांध दो और तार को बिजली से जोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब आप करंट जो है ना वो यहाँ से फ्लो कर रहे हो और यहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ से फ्लो होके इधर आ रहा है, यहाँ से फ्लो होके इधर आ रहा है, यही तो हो रहा है। करंट जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है। मतलब करंट किसके पास जा रहा है, करंट जा रहा है साउथ की तरफ, याद रखना करंट हमेशा साउथ की तरफ जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि करंट साउथ पोल किधर होगा, वेयर द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर सीधी घड़ी चल रही है तो साउथ, तो नॉर्थ किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉक, मतलब उल्टी घड़ी चल रही है। क्लियर। जहां पर भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे इधर से इधर से इधर, और एंटी क्लॉक इधर से इधर, मतलब उल्टा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चलेगा वहां पर साउथ आ जाएगा, और एंटी क्लॉक चलेगा वहां पर नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट था। अब छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे पहला मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्या बताया कि वो टेम्पररी है। वो मैग्नेट कब तक रहेगा, जब तक आप उसमें करंट फ्लो करेंगे, जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे वो आपका मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है।
तो वो टेम्प्ररी मैग्नेट है। अच्छा, दूसरा सेकंड पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज्ड। आप स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट मतलब जो मैग्नेट है वो कितना पावरफुल है इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वैसे तो आपको पूरा का पूरा नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, फिर भी लिख दो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड, और वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर पहला द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, कितना तेज आप उसमें करंट फ्लो कर रहे हो। जितना ज़्यादा करंट, जितना जल्दी से करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। सेकंड, जितना ज़्यादा आप उस पर टर्न करोगे, मतलब सपोज करो कि ये मैग्नेट है, आप इस पर सिर्फ ऐसे चार ठो टर्न किए तो अब ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन यही एक मैग्नेट है जिसपे आप बहुत छोटा 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 बहुत सारा टर्न किए तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। जितना ज़्यादा आप टर्न करोगे उतना ही अच्छा मैग्नेट बनेगा। और मटेरियल, किस मटेरियल का आप पीस यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट को कन्वर्ट करने में, ठीक है, जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना अच्छा वो मैग्नेट बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आता है यूजेज ऑफ मैग्नेट। हेडिंग डाल दो यूजेज ऑफ मैग्नेट, यूजेज ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों मैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया है, मैग्नेटिक कंपास में यूज़ होता है, टेलीविज़न में यूज़ होता है, कंप्यूटर में होता है, स्पीकर में होता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड में होता है, ठीक है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में होता है। अच्छा, एटीएम और क्रेडिट कार्ड और कंप्यूटर हार्ड डिस्क में क्यों होता है, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कुछ खिलौनों में होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है ताकि रेफ्रिजरेटर को आप बंद कर सको। मैग्नेटिक कंपास में क्यों होता है ताकि आप डायरेक्शन देख सको। तो ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सब जो मैग्नेट थे कैसे मैग्नेट थे, परमानेंट मैग्नेट। मैंने आपको दो तीन यूज टेम्प्रेरी मैग्नेट्स के भी बताए थे, याद है, मैंने आपको कुछ यूजेस टेम्प्रेरी मैग्नेट्स के बताए थे। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डोरबेल, इलेक्ट्रिक क्रेन, जनरेटर, इन सब में हमारा टेम्प्ररी मैग्नेट यूज़ होता है। कौन सा, टेम्प्ररी, ठीक है, टेम्प्ररी मैग्नेट यूज़ होता है। टेम्प्ररी मैग्नेट कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, जनरेटर, इन सब में हमारा क्या यूज़ होता है, टेम्प्ररी मैग्नेट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले लिखो परमानेंट मैग्नेट कहाँ पर यूज होता है, मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। टेलीविजन, कंप्यूटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, रेफ्रिजरेटर, मैग्नेटिक कंपास, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, टॉयज, खिलौने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, जनरेटर, ठीक है। सपोज करो कि ये बहुत सारा कचरा है, ठीक है, अच्छा इस कचरे में लोहा भी मिला हुआ है, आयरन भी मिला हुआ है और बाकी बहुत सारा सामान है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक क्रेन लेकर आओगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, तो जब आप उसको इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, वो सारा मैग्नेट में लोहा चिपक जाएगा, फिर आप क्रेन को इधर लेकर आओगे और उसका करंट बंद कर दोगे तो सारा लोहा इसमें से गिर के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेलीविजन में भी यूज होता है, क्लियर। अच्छा, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है दैट इज मैगलिव ट्रेन, कौन सी, मैगलिव, MAGLEV, मैगलिव ट्रेन, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन है और इसका जो ट्रैक है और ट्रेन के जो नीचे का हिस्सा है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है, ठीक है, क्लियर। तो देख लो हमारे लाइफ में मैग्नेट का कितना ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। परमानेंट मैग्नेट जो होता है यूजुअली हम किससे बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं और इसको स्टील से बनाते हैं। और इसका पोल्स जो होता है वो परमानेंट होता है, मैंने आपको बताया था, और इसमें नहीं होता है। जहाँ से आप करंट मूव करेंगे क्लॉकवाइज वहाँ पर साउथ, और जहाँ एंटी क्लॉक वहाँ नॉर्थ पोल। आप इसका स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो कैसे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो या फिर उसमें से बहुत तेज़ी से करंट को भेजो, ठीक है। अच्छा, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड तब तक ही है जब तक आप उसमें करंट पास करोगे, क्लियर। चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है। लास्ट टॉपिक क्या है कि किसी भी मैग्नेट को नॉर्मल मेटल बनाना है, मतलब उसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमें ख़त्म करनी है। देखो किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज, मतलब उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको हटानी है, तो आप क्या करोगे, उसका बिल्कुल भी ध्यान मत रखो, उसकी बहुत बुरी की मतलब एकदम दुर्गति कर दो, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देगा। दूसरा, उसको बार बार उससे दुश्मनी कर लो और उसको ज़मीन पर गिराओ, उठाओ और गिराओ, थोड़ा टाइम में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। मैग्नेट को रख दो और उस पर जोर जोर से हथौड़ा मारो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। या उसको आग में डाल दो, बहुत हाई टेम्परेचर में डाल दो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। या फिर उसमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करा दो, तो उसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी चली जाएगी, ठीक है। क्या होगा, आप मैग्नेट को जब हीट करेंगे ना, तो आप उसके नॉर्थ और साउथ को ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट में रख देना, उसको गर्म करने के बाद, ठीक है, और उसको आप ठंडा होने दे दो। क्या होगा, जब आप मैग्नेट को गर्म किए, तो इनके मैग्नेट के अंदर जो एटम्स है उनको क्या मिला, थर्मल एनर्जी, मतलब हीट मिला। अच्छा, एनर्जी मिलने से अब इनके पार्टिकल्स हिलने लगेंगे, तो पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आने से वो एक दूसरे में टक्कर मारने लग जाएंगे और मॉलिक्यूल की जो चेन है वो टूट जाएगी, और टूटने से वो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। जब आप हैमर मारेंगे तो भी सेम होगा, उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम्स उसके अंदर है वो आपस में लड़ाई करने लगेंगे, ठीक है, क्लियर। क्या होगा, सपोज करो ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ साउथ, अब आप करंट की फ्लो जो है ना वो अपोजिट कर दो, नॉर्थ की तरफ क्लॉकवाइज, साउथ की तरफ एंटी क्लॉक, ऐसा कर दो आप, तो क्या होगा, और एकदम बहुत स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी वाला करंट डालो, क्या होगा, इधर के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, इधर के मॉलिक्यूल, लेकिन इतना जल्दी प्रोसेस होने की वजह से वो आपस में लड़ाई कर लेंगे, ठीक है, और उनकी जो अलाइनमेंट्स है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज हो जाएगी, इसके वजह से हम मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो लूज करेंगे। तो 5 ऐसे तरीके जिससे हम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको एकदम बुरी तरीके से रखो, उसको ज़मीन में फेंको, उस पर हथौड़ा मारो, उसको गर्म करो और उसमें ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, ठीक है। देखो इसका लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल दो, क्या है, केयर एंड स्टोरेज
ऑफ मैग्नेट। भैया अगर मैग्नेट को आप अच्छा से ध्यान नहीं रखोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मेरे को अब मैग्नेट का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज़ ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैग्नेट को बचाने के लिए क्या करो, एक और मैग्नेट यहाँ पे रख दो, साउथ के बगल में नॉर्थ, नॉर्थ के बगल में साउथ, और ऊपर एक सॉफ्ट आयरन लगा दो और नीचे भी एक सॉफ्ट आयरन लगा दो। अब इससे क्या होगा, मैग्नेट सेफ रहेंगे। ये जो आपने बच्चों ऊपर में सॉफ्ट आयरन लगाया है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हॉर्सशू मैग्नेट है, अगर ऐसा है नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ के नीचे और साउथ के नीचे क्या लगा दो, सॉफ्ट आयरन पीस, मतलब मैग्नेटिक कीपर्स, ठीक है। अगर आप मैग्नेट का ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छे से उसका केयर नहीं करेंगे, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप ही डीमैग्नेटाइज हो गया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये मैग्नेट का लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका नोट्स अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।